हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है कॉमर्स किचन में। और आज हम आपको बताने वाले हैं मक्के की रोटी और सरसों का साग। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें पालक और सरसों भाजी को उबालना है, जिसके लिए मैंने 1 गिलास पानी डालना है। और हमें 1 हिस्सा हमारी पालक है और 2 हिस्सा हमारी सरसों भाजी है। सरसों भाजी को हमें ज्यादा लेना है। ये देखिए, मैंने पालक डाला और इसे नमक और हल्दी डाल के उबालना है। कम से कम 6 से 7 सीटी देना है, क्योंकि नमक और हल्दी डाल के उबालना है हमें। ये मैंने हल्दी डाल दिया और 1 चम्मच नमक डाल के इसे 6-7 सीटी देना है। हमारी पालक और सरसों उबल चुकी है। अब उसके फ्राई के लिए हम सबसे पहले पैन में तेल डालेंगे और जैसे ही अपना तेल गरम होगा, उसमें सबसे पहले हमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और हरी मिर्च। मैंने तीनों एक साथ इसे पीस के रखा है। इसे ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है, ये कम से कम 2 चम्मच अपन को डालना है। और इसे अच्छे से सौते करना है ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए और अच्छे से भून जाए, उसका कलर और खुशबू दोनों अच्छी आने लगे। देखिए, इसका मॉइस्चर सूखने लगा है हल्का हल्का। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को 5 से 7 मिनट तक कंटिन्यू चलाते रहना है। और जब तक कि प्याज गुलाबी होगा, उसके साथ हमें सारे ड्राई मसाले ऐड करना है। हल्दी डालना है, लाल मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे अच्छे से भूनना है जब तक ये गुलाबी ना हो जाए। जब तक हमारा मसाला भून रहा है, जो हमारी मक्के का साग है ना, उसे हमें थोड़ा ग्राइंड करना है मक्के का आटा डाल के। इसमें 2 चम्मच मैं मक्के का आटा ऐड कर रही हूँ और इसे ग्राइंड कर रही हूँ ताकि इसको मेल खा बैठता है। ये इसे अच्छे से ग्राइंड करना है। ये देखिए, मेरा ग्राइंड हो चुका है हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं। मैंने 4 टमाटर लिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे 5 से 7 मिनट तक पकाना है। अपना टमाटर है वो अच्छे से गल जाए, उसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए, मेरा अच्छे से सब मिक्स हो चुका है, टमाटर का भी कलर आ चुका है। अब हमने जो ग्राइंड किया है पालक और सरसों को, हम उसे मिला देंगे इसी बर्तन में। इसे 5 मिनट तक सिम पे पकाना है। मैं इसे ढक्कन लगा के 5 मिनट तक सिम पे रख रही हूँ। अब इसमें हमें नमक ऐड करना है स्वाद अनुसार।
इसमें मैंने एक चम्मच नमक बनाया है। ये सब्जी हमारे 5 से 6 मेंबर के हिसाब से मैंने बताया है, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा घटा सकते हैं। ये देखिए हमारा कितना कलरफुल सरसों भाजी तैयार है। इसके बाद हमें मक्के की रोटी बनानी है। ये 5 मिनट तक नमक पकने तक का इंतजार करना है ताकि सारी सब्जी में नमक का फ्लेवर आ जाए। देखिए ये अब हमारा जो साग है वो बन के तैयार है, सरसों साग। अब हमें इसकी रोटियां बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए मक्के की रोटी बनाने के लिए हमें 2 कटोरी मक्के का आटा और 1/2 कटोरी गेहूं का आटा, और हमें स्वाद के हिसाब से इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है और बारीक धनिया कटी हुई, ना भी डालें तो भी चलेगा, 2 चम्मच तेल, और इसे अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस आटे को गूंथना है। आप इसमें गेहूं की जगह चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं और गेहूं का भी, दोनों में से ऑप्शन है, आप दो भी चाहे कर सकते हैं। और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथना है और गूंथने के बाद इसे 10 मिनट के लिए हमें रेस्ट पे रखना है। ये देखिए डो मेरा लगभग गूंथ गया है, ये तैयार हो गया है मेरा डो, इसे मैं रेस्ट के लिए रखूंगी। ये देखिए ऐसे नरम डो गूंथना है क्योंकि रेस्ट के बाद यह थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ये देखिए मेरा डो रेस्ट हो चुका है। अब हम हाथ में घी लगाएंगे और घी लगाने के बाद हमें एक लोई बनानी है। इसे हमें बेलना नहीं है, हम पॉलिथिन के ऊपर इसे हाथों के सहारे से फैलाना है, धीरे धीरे फैलाना है ताकि वो अच्छे से फैल पाए। ये आपको दिख रहा है कितना अच्छे से फैल रहा है। इसे पतला नहीं बनाया जाता है, इसे थोड़ा सा मोटा होता है। ये देखिए अच्छे से मेरा फैल चुका है। आप इसे प्लेन भी बना सकते हैं लेकिन मैंने इसमें धनिया डाला है। मैंने तवा गरम करके रखा है, उसमें मैं थोड़ा सा पहले घी डालूंगी ताकि अपना जो ये मक्के की रोटी है वो चिपके ना। देखिए कितना स्मूथ से वो घूम रही है। देखिए मैंने एक तरफ पलटा दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा घी लगाते जाएंगे, आप चम्मच के सहारे से भी लगा सकते हैं, मैं हाथों से इसे अच्छे से फैला रही हूँ ताकि ये हमारा बहुत क्रिस्पी बने। ये देखिए दोनों तरफ से कम आंच पे हमें अच्छे से बेक करना है। देखिए ये मक्के की रोटी मेरी बनके तैयार हो गई है। ऐसे करके एक एक करके हमें सारी रोटियां बनानी है। मक्के की रोटी और सरसों का साग बन के तैयार हो गया है। इसे आप अपने घर पे बनाइए और बताइए कैसा लगा। और कोमल्स किचन को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक ये कोमल पहुंचा सके। और इसे देखने के लिए हमेशा कोमल्स किचन को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।